महर्षि फ्लावर डेकोरेटर्स एंड गिफ्ट शॉप, गुलदस्ते, बुके, कार सजावट तथा ताजी फूलों की सजावट के लिए संपर्क करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनाव कार्यक्रम के दौरान राहतगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सागर लोकसभा प्रत्याशी राज बहादुर सिंह के समर्थन में राहतगढ़ के दशहरा मैदान पर एक सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने दो बड़े बयान दिए हैं। आज और कांग्रेस भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, झूठ बोलने का रिकॉर्ड। पहले राहुल बाबा जहां जाते हैं कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला के फटकारा का माफी मांगो, तो कह लगे चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है। और इसके बाद जब फिर दूसरी जगह गए तो फिर कहने लगे चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ऐसे हकीले बच्चे हैं, जो कोई गड़बड़ करते तो मम्मी मारती है, तो बच्चा कहते हैं नहीं नहीं मम्मी अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। और मम्मी से दूर जाते हैं तो फिर कहते हैं मम्मी फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। सारे मोदी चोर है। बताइए किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी भाषा बोलता है? ये भाई हमारे ऐसे नेता है कि महात्मा गांधी के सपने को साकार करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस का काम खत्म हो गया, कांग्रेस भंग कर दो, कांग्रेस का समापन कर दो। पर स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे, गांधी जी के सपने को पूरा करेंगे। आज मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे भ्रष्टाचारी एक है, हमने तो घोषित किया है, हमारे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, सामने कौन? मायावती जी, अखिलेश जी, ममता दीदी, चंद्रा बाबू, देवी गोड़ा, स्टालिन, राहुल बाबा, कौन को प्रधानमंत्री बनाओगे? शरद पवार कहते हैं राहुल तो बन ही नहीं सकते, मायावती जी को देखेंगे, ममता को देखेंगे, जिनकी 20-20 सीटें नहीं है वो नारद जी की तरह गले में माला डलवाने तैयार है, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री। अरे मेरे पांव में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देखना। लाइन लगी है प्रधानमंत्री, कौन बनेगा? वो निपट लेंगे बाद में देखेंगे। इनका सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश जी, बुधवार को ममता दीदी, गुरुवार को चंद्रा बाबू, शुक्रवार को देवे गोड़ा, शनिवार को राहुल बाबा, इतवार को छुट्टी, बिना प्रधानमंत्री के काम चल जाएगा। वहीं सागर जिले के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राज बहादुर सिंह जी के रूम में जो टिकट दिया, इससे प्रभावित होकर मेरी अंतरात्मा जागी और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की माननीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करने का मेरे मन में विचार आया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कद्र करती है और एक राज बहादुर जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया, इससे पूरब में से सागर संसदीय क्षेत्र और जिले में जाता है कि अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए निश्चित रूप से जगदीश यादव जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, सागर से महापौर के चुनाव में उन्होंने अच्छे मत प्राप्त किए, एक बड़े कद के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बाकी उसमें, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। राहतगढ़ से धर्मेंद्र राजपूत, सागर टीवी न्यूज। महर्षि फ्लावर डेकोरेटर्स एंड गिफ्ट शॉप, गुलदस्ते, बुके, कार सजावट तथा ताजी फूलों की सजावट के लिए संपर्क करें। पता नटराज होटल के बाजू में सिविल लाइन सागर। हमारे नंबर हैं 9425119333,
9303113228।